हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप आई होप यू विल बी बेटर एट योर प्लेस। मैं डॉक्टर महेंद्र सारण स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैन एकेडमी पे। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया, इसके लिए तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम प्रोनाउन के चैप्टर में आगे बढ़ते हुए इसका एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई होप जैसे पिछले वीडियो को आपने पसंद किया उसी तरह से ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। तो समय वेस्ट न करते हुए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डियर स्टूडेंट, संकेत वाचक सर्वनाम, ये वो सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग संकेत यानी कि जो इंडिकेट करके किसी नाउन के बारे में बताते हैं, जो इंडिकेशन देते हैं किसी के बारे में। दैट काइंड ऑफ प्रोनाउंस विच इंडिकेट एनी काइंड ऑफ नाउन, जो किसी भी नाउन को एक संकेत के आधार पर बताएं या उसके बारे में विवरण दे, हम उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, बात जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की आती है तो इसमें आता है दिस। दिस का मतलब होता है यह। दिस काउंटेबल नाउन के लिए आता है और दिस एक वचन, वस्तु जो कहते समय, वस्तु जो कहते समय हमारे सामने हो, हमारे सामने हो, हम उसके लिए दिस का यूज करते हैं। एक है इसी में ही दैट, वह काउंटेबल नाउन एक वचन के लिए दैट का यूज होता है, लेकिन दिस व दैट में अंतर यह होता है कि वस्तु, वस्तु जो कहते समय, कहते समय सामने न हो, सामने न हो, ऐसे के लिए हम दैट का यूज करते हैं। और इसी में ही आता है दीज। जरा ध्यान दीजिएगा, दीज का मतलब होता है ये। काउंटेबल नाउन बहुवचन के लिए हम दीज का यूज करते हैं, जो वस्तु कहते समय, कहते समय सामने हो, सामने हो और संख्या में ज्यादा हो, उसके लिए हम दीज का यूज करते हैं। और एक इसी में आता है दोज। दोज वो काउंटेबल नाउन, इसका यूज भी बहुवचन के लिए होगा, लेकिन जो वस्तु कहते समय, जो वस्तु कहते समय सामने न हो, सामने न हो, इसके लिए दोज का यूज आता है। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेत वाचक सर्वनाम, जिसमें दिस का यूज होता है, देट का यूज होता है, दीज का यूज और दोज का यूज। जिसमें दिस व देट एक वचन के लिए यूज होते हैं, दीज व दोज बहुवचन के लिए यूज होते हैं, लेकिन इनमें जो सिमिलरिटी है वो यह है कि इन सबका प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, इनका प्रयोग कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए नहीं कहा जाता। जैसे कि मैंने कहा दिस इज माय पेन, ये मेरा पेन है, अब ये कहते समय मेरे सामने है और सिंगुलर है, इसके लिए मैंने दिस का यूज किया। अब जैसे कि मैंने कहा कि मेरी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, अब मैं अगर मेरी गाड़ी को इंट्रोड्यूस करूं तो कैसे करूंगा? मैंने कहा दैट इज माय बाइक व्हिच इज पार्क्ड आउटसाइड, वह मेरी गाड़ी है जो बाहर पार्क्ड है, अब वो मेरे सामने नहीं है, मेरे सामने है सिंगुलर है तो दिस, मेरे सामने नहीं है सिंगुलर है तो दैट का यूज, और दीज का यूज बहुवचन के लिए। जैसे कि सारे स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं तो मैं यही कहूंगा दीज आर माय स्टूडेंट, ये सारे मेरे विद्यार्थी हैं, अब मेरे सामने है, कक्षा में मौजूद है, एक से ज्यादा है तो दीज का यूज। लेकिन कुछ विद्यार्थी क्लास के बाहर है और शोर कर रहे हैं तो मैं उनके लिए दोज का यूज करूंगा, मैं लिखूंगा दोज आर माय स्टूडेंट हु आर इन अनादर रूम, वो मेरे विद्यार्थी हैं जो दूसरे कमरे में है, या मैं ये कहूं दोज आर साइंस स्टूडेंट्स Who are in another room, जो दूसरे कमरे में है वो विज्ञान के छात्र हैं, तो उनके लिए दोज का यूज। तो जो वस्तु सामने है, दिस एक वचन, जो वस्तु सामने है एक वचन ज्यादा है बहुवचन है दिस का यूज, जो वस्तु सामने नहीं है देट का यूज एक वचन के लिए और बहुवचन के लिए दोज का यूज। इसी तरह इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इनका कॉम्बिनेशन बनता है तो कॉम्बिनेशन बनेगा दिस व दीज का, क्यों? क्योंकि ये सामने की
जो वस्तु सामने हो उसके लिए दिस एकवचन के लिए यूज होगा और दीज किसके लिए यूज होगा, ये बहुवचन के लिए यूज होगा। और डेट का और दोज का कॉम्बिनेशन बनता है इसमें, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया, इसमें कॉम्बिनेशन डेट और दोज का बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जो सामने न हो उसके लिए इनका यूज होता है। डेट एक वचन के लिए आता है और दोज किसके लिए यूज होगा, बहुवचन के लिए यूज होगा। तो इस तरह से इनका कॉम्बिनेशन बनता है। तो इन्हें कहते हैं संकेतवाचक शब्द, जिनका प्रयोग हम संकेत के आधार पर बताते हैं। जैसे कि मैंने कहा दिस इज माय हाउस, ये मेरा घर है। मैंने लिखा दैट इज माय फ्रेंड्स हाउस, दैट इज माय फ्रेंड्स हाउस इन नेक्स्ट कॉलोनी, वहां अगली कॉलोनी में मेरे मित्र का मकान है। तो संकेत देकर के मैं कहूं, मैंने पार्टी में मेरे कुछ दोस्त है, अगर मैं उन्हें मेरे फैमिली से इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो मैं कैसे करवाऊंगा कि दीज आर माय फ्रेंड्स, दीज आर माय कॉलेज फ्रेंड्स, तो मैं उन्हें संकेत के आधार पर बताऊंगा। तो ये सारे के सारे सर्वनाम संकेतवाचक सर्वनाम है। अब इनका यूज और एग्जाम में ये किस तरह से यूज होते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, डिमोन्स्ट्रेटिव जो शब्द है, इन्हें दो तरीके से अंग्रेजी वाक्य में यूज किया जाता है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। ये संकेतवाचक विशेषण भी होते हैं और संकेतवाचक सर्वनाम भी होते हैं। लेकिन ये विशेषण कब होते हैं, सर्वनाम कब होते हैं, उसी के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। जरा देखिए आप आगे, अगर दिस व डेट के तुरंत बाद कोई काउंटेबल नाउन आती है सिंगुलर में, एक वचन में, तो यह डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे कैसे, मैंने लिखा दिस बुक इज माइन। अब यहां देखिए, दिस के तुरंत बाद काउंटेबल नाउन सिंगुलर आ रही है, तो वर्ब भी किसमें आ रही है, सिंगुलर में आ रही है। अगर इसके तुरंत बाद नाउन आ रहा है तो ये दिस यहां पर क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। मैंने लिखा डेट बाइक इज इन रेड कलर, वह बाइक रेड कलर में है। तो देखिए डेट के बाद बाइक का यूज हो रहा है, अगर इसके तुरंत बाद काउंटेबल नाउन आ रही है, सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर है, तो ये डेट यहां पर क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। तो जरूर याद रखिएगा, अगर दिस व डेट के तुरंत बाद कोई काउंटेबल नाउन सिंगुलर में आती है, वर्ब सिंगुलर लेगी, तो वो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन अगर दिस व डेट के तुरंत बाद अगर नाउन नहीं आती है और दिस व डेट के तुरंत बाद वर्ब आती है सिंगुलर एक वचन में और फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो हम इस कंडीशन में दिस व डेट को डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अब जरा देखिए, मैं अगर इसी सेंटेंस को यो लिख दूं, दिस बुक इज माइन को अगर मैं लिखूं दिस इज माय बुक। अब इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस को देखिए, इसके तुरंत बाद नाउन आ रहा है इसलिए एडजेक्टिव है, यहां इसके तुरंत बाद वर्ब आ रही है सिंगुलर फॉर्म में, तो यहां पर यह दिस जो है ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। जैसे कि मैंने लिखा यहां पे दैट बाइक इज इन रेड कलर, वह बाइक रेड कलर में है, तो यहां पर हम अगर इसको यूं लिखे दैट इज रेड कलर बाइक, तो यहां पे देखिए, यहां पे दिस व डेट के तुरंत बाद नाउन आ रही है, यहां दिस व डेट के तुरंत बाद वर्ब का यूज हो रहा है, तो ये वर्ब लेती है तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और अगर नाउन लेती है तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर इन्हें लिखा जाता है। उसी तरह दीज व दोज पे आ जाइए, अगर दीज व दोज बहुवचन में यूज होता है, अगर दीज व दोज के तुरंत बाद कोई भी काउंटेबल नाउन आए बहुवचन में, तो जाहिर सी बात है वह भी किसमें आएगी, बहुवचन में। तो यह कहानी बनेगी एडजेक्टिव की। जैसे कि मैंने लिखा दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी है, तो यहां देखिए दीज के बाद बुक्स आ रही है, काउंटेबल है, बहुवचन है, वर्ब भी बहुवचन में आ रही है। मैं अगर यो लिखूं दोज बॉयज आर फ्रॉम माय हॉस्टल, वो लड़के मेरे हॉस्टल के हैं। अब यहां देखिए दोज के बाद बॉयज बहुवचन आ रहा है, वर्ब भी बहुवचन आ रहा है, अगर इनके तुरंत बाद नाउन आ रही है तो दीज व दोज को हम एडजेक्टिव के तौर पे लिखेंगे और ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। और उसी तरह
दिस व दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, अगर ये प्रोनाउन बनेंगे तो दीज व दोज के तुरंत बाद वर्ब आएगी, वर्ब आएगी बहुवचन में और फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट काउंटेबल नाउन में। अगर मैं इन्हीं सेंटेंस को यो लिखूं, दीज आर माय बुक्स, ये मेरी किताबें हैं, तो जरा देखिए यहां दीज के तुरंत बाद वर्ब आ रही है बहुवचन में तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, यहां नाउन आ रही है। और मैं अगर दोज के एग्जाम्पल को यो लिखूं, दोज आर माई हॉस्टल्स बॉयज, ये मेरे हॉस्टल के लड़के हैं, तो यहां देखिए दोज के तुरंत बाद वर्ब आ रही है। अगर दीज दोज दिस डेट अगर वर्ब लेती है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और अगर इनके तुरंत बाद नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव कहलाएंगे। जैसा कि मैंने बताया दिस व डेट सिंगुलर होता है तो ये वर्ब एडजेक्टिव में सिंगुलर नाउन लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। दिस व दोज बहुवचन होता है तो एडजेक्टिव में इनके तुरंत बाद काउंटेबल नाउन बहुवचन, वर्ब भी बहुवचन। लेकिन अगर इनका प्रोनाउन में यूज होता है तो दिस व दैट सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। दिस व दोज प्लूरल है, इसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो इस तरह से इन डेमोन्स्ट्रेटिव शब्दों को जिसमें दिस दैट दिस दोज आदि का यूज होता है, हम इन्हें एडजेक्टिव में भी लिखते हैं और प्रोनाउन में भी लिखते हैं। तो इस तरह से आप इसे क्लासिफाइड कर सकते हैं कि कहां तो एडजेक्टिव बनेंगे और कहां यह प्रोनाउन बनते हैं। अब हम बात करते हैं उस माइनर चीज पे कि इससे किस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, कॉमन एरर से रिलेटेड इनका क्वेश्चन जो है वो किस तरह से भी बनता है, उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। देखिए आप इस फॉर्मूले को जरा ध्यान में रखें कि दिस के बाद डेट का यूज होता है, दिस के बाद डेट का यूज होता है, डेट के बाद दिस नहीं आता। जैसे कि मैंने लिखा यहां पे This is my house that was built in 1947. अब यहां देखिए this के बाद हमने किसका यूज किया है, डेट का, डेट के बाद this का यूज नहीं होता है। हां these के बाद those का यूज होता है, these के बाद those का यूज होता है, दोज के बाद दीज का यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि मैंने लिखा यहां पे दीज आर माई फैमिली मेंबर्स, दीज आर माई फैमिली मेंबर्स एंड दोज वर माई रिलेटिव्स। अब यहां देखिए कॉम्बिनेशन दीज के साथ दोज का बनता है, दोज के साथ दीज का कॉम्बिनेशन नहीं बनाया जाता। हां एक चीज आप जरूर ध्यान में रखें कि दिस एक वचन के लिए तो दीज बहुवचन, तो दिस के बाद दीज का यूज किया जा सकता है। हां डेट के बाद दोज का यूज होता है, दोज का यूज होता है। तो इस तरह से आप ये कॉम्बिनेशन जरूर ध्यान में रखें। मैं रिपीट करना चाहूंगा, दिस के बाद डेट आता है, डेट के बाद दिस नहीं आता, दीज के बाद दोज आता है, दोज के बाद दीज कभी नहीं आता। हाँ यह है कि दिस एक वचन दीज बहुवचन के लिए होता है तो दिस के बाद हम दीज लगा सकते हैं और डेट के बाद दोज का प्रयोग किया जा सकता है। तो यह कॉम्बिनेशन आप जरूर ध्यान में रखें और इसी के आधार पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं इसके अगले प्रोनाउन पर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन पर, जो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोनाउन है, जरा ध्यान दीजिए आप। डियर स्टूडेंट रेसिप्रोकल प्रोनाउन इसका मतलब होता है परस्पर वाचक सर्वनाम। इन्हें परस्पर वाचक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्य दो या दो से अधिक के मध्य में होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर वाचक, जिसमें दो के या दो से अधिक के आपस में कोई कार्य होता है, हम उसे परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं। डियर स्टूडेंट परस्पर वाचक सर्वनाम में हम ईच अदर
ईच अदर और वन अनादर, इन दो सर्वनाम का यूज करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, ईच अदर दो के मध्य में, इसका प्रयोग होता है दो के मध्य में। दो के मध्य में कोई कहा सुनी, कोई बातचीत, कोई लेन देन, कोई प्यार मोहब्बत, कोई भी कोई कार्य होता है दो के मध्य में, ईच अदर का यूज होता है। और वन अनादर दो से अधिक के मध्य में, दो से अधिक के मध्य में कोई बातचीत होती है तो वहां वन अनादर होता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो है वो एक सॉरी एक सिमिलरिटी है, वो सिमिलरिटी ये है, डिफरेंस तो ये हो गया किसका प्रयोग दो के मध्य में, उसका दो से अधिक के मध्य में। लेकिन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी ये है कि इनका यूज सब्जेक्ट में नहीं, इन्हें ऑब्जेक्ट में यूज किया जाता है, इन्हें ऑब्जेक्ट में यूज किया जाता है। इनका प्रयोग कभी भी सब्जेक्ट में नहीं होता, इनका प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट में ही यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के स्वरूप में आपको बताना चाहूंगा, मैंने लिखा राम एंड श्याम आर कजिन, they are fighting each other। अब यहां पे राम और श्याम को कजिन बताया गया है, दो है ये संख्या में, अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो दो है संख्या में, तो ईच अदर आ गया। और अगर मैं इसमें एक नाम और जोड़ दूं, नरेश, राम एंड श्याम आर कजिन, दे आर फाइटिंग, अब ईच दो से अधिक हो गए तो यहां पर अब किसका यूज हो जाएगा, वन अनादर का यूज हो जाएगा। तो ईच अदर और वन अनादर ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है जिनका प्रयोग दो के मध्य में और दो से अधिक के मध्य में किया जाता है। ईच अदर दो के मध्य में और वन अनादर दो के मध्य में। इससे संबंधित क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि इनका प्रयोग सब्जेक्ट में कभी नहीं होता, इनका प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट में किया जाता है। तो आज हमने पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा जिसमें दिस देट दिस दोज के बारे में पढ़ा, फिर हम पढ़े रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसमें दो ही सर्वनाम आते हैं, ईच अदर और वन अनादर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है विभाजनवाचक सर्वनाम। तो आप वीडियो को बने रहिए और लगातार देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। विभाजनवाचक सर्वनाम, जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है जो विभाजन की प्रक्रिया को दिखाए। दीज काइंड्स ऑफ प्रोनाउन विच डिस्ट्रीब्यूटेड एनी काइंड ऑफ थिंग, एनी काइंड ऑफ पर्सन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वह सर्वनाम जो दो या दो से अधिक के मध्य किसी के विभाजन को बताए, किसी संज्ञा के विभाजन को बताए, हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, विभाजनवाचक सर्वनाम। डियर स्टूडेंट, विभाजनवाचक सर्वनाम में आता है ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक एक, जरा ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक एक। अब ये दो में से प्रत्येक एक के लिए भी इसका यूज होता है ईच का, और दो से अधिक में से प्रत्येक एक के लिए भी ईच का यूज किया जाता है। एवरी जो है वो सर्वनाम में नहीं लिखा जाता, एवरी जो है यह एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव, और इसका प्रयोग दो से अधिक के मध्य में किया जाता है, दो से अधिक के मध्य में किया जाता है। हां, सर्वनाम के रूप में एवरी ऑफ द यह सर्वनाम में यूज होता है, यह सर्वनाम में यूज होता है। अब जरा देखिए, एक है ईदर, या तो दो में से एक का चुनाव करना ईदर, और एक आता है इसी में से ही एनी वन का मतलब कोई एक। दो से अधिक में से
दो से अधिक में से एक का चुनाव वो होता है एनी वन। जरा ध्यान दीजिए, इधर या तो दो में से एक का चुनाव, एनी वन कोई एक, दो से अधिक में से एक के चुनाव के लिए हम एनी वन का यूज करते हैं। तो जरा देखिए, एक हो गया ईच, एक हो गया एवरी, एक हो गया एवरी ऑफ द, एक हो गया इधर, एक हो गया एनी वन, और इसी में ही आता है एक नाइदर, नीदर, सॉरी हम इसे नीदर के रूप में प्रोनंसिएट करेंगे, नीदर ना तो, दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं, दो में से एक का भी चुनाव नहीं करना, नीदर, और एक है नन। दो से अधिक में से, दो से अधिक में से एक भी नहीं, इधर और एनी वन पॉजिटिव सेंस, नीदर और नन नेगेटिव सेंस। जरा दोबारा समझिए, ईच प्रत्येक एक के लिए, इसका प्रयोग दो में से प्रत्येक एक के लिए, दो से अधिक में से प्रत्येक एक के लिए भी होता है। एवरी एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन नहीं, इसका प्रयोग दो से अधिक के मध्य में, यानी कि दो से अधिक में से कोई एक के लिए किया जाता है। मैं दोबारा लिखना चाहूंगा, दो से अधिक में से एक के लिए, दो में से प्रत्येक एक के लिए ईच आ जाता है। लेकिन हाँ, अगर हम एवरी को सर्वनाम में लिखेंगे तो एवरी ऑफ द लिखेंगे। एक होता है इधर, दो में से एक का चुनाव करना, और दो में से एक भी नहीं, हो गया नीदर। दो से अधिक में से एक का चुनाव एनी वन, और दो से अधिक में से एक भी नहीं, तो वहां नन का यूज किया जाता है। तो ये सारे के सारे विभाजन वाचक सर्वनाम है। इनमें एक बात कॉमन, स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए कि इन सबका प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है। ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं, ये सारे के सारे एक वचन होते हैं। इन्हें विभाजन वाचक, इन शब्दों को विभाजन वाचक विशेषण में भी लिखते हैं, विभाजन वाचक सर्वनाम में भी लिखते हैं। ये विशेषण भी कहलाते हैं, सर्वनाम भी कहलाते हैं। तो अभी तो मैंने इनका प्रयोग, इनका अर्थ बताया है, अब हम चलते हैं कि सर्वनाम कब कहलाएंगे और विशेषण कब कहलाएंगे, हम उस बात पर चर्चा करते हैं। अगर ईच के बाद, एवरी के बाद, इधर के बाद, नीदर के बाद, एनी वन के बाद, या नन के बाद, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इनके तुरंत बाद कोई भी काउंटेबल नाउन आती है एक वचन में, तो जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी किस में आएगी, एक वचन में। ये कैटेगरी इसकी बनेगी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की। अगर ये एडजेक्टिव बनेंगे तो इनके तुरंत बाद कोई भी काउंटेबल नाउन आएगी एक वचन में। जैसे कि मैंने लिखा ईच बॉय, ईच बॉय इज हेल्थी हियर। अब इसका मतलब हो गया, ईच लगा दिया तो दो में से, इसका मतलब हुआ कि दो में से प्रत्येक एक लड़का हेल्थी है यहां पे, या दो से अधिक में से प्रत्येक एक लड़का हेल्थी है यहां पर। तो अगर मैंने एवरी लगा दिया तो दो से अधिक में से, इसका मतलब यानी कि लड़के दो से अधिक है, और प्रत्येक एक लड़का जो है वो यहां पर हेल्थी है। लेकिन सिंगुलर नाउन आएगी, सिंगुलर नाउन आएगी तो वर्ब भी किस में आएगी, सिंगुलर में आएगी। तो इनका जो प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट, एडजेक्टिव में करने पर इनके तुरंत बाद नाउन आएगी, वो भी सिंगुलर में, वर्ब भी सिंगुलर में आएगी। लेकिन अगर हम इनका प्रयोग ईच इधर नीदर एनी वन या नन, अगर इनके बाद में ओपदा का प्रयोग होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इनके बाद में ओपदा का प्रयोग होता है तो इनके बाद में नाउन तो बहुवचन आएगी, लेकिन वर्ब जो है वो एक वचन में लिखी जाएगी। ठीक है, अदरा देखिए, इसी में कॉमन एरर का क्वेश्चन आ जाएगा। अगर इनके बाद में ओपदा आएगी तो नाउन तो बहुवचन, लेकिन वर्ब एक वचन आएगी। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन में तुलना होती है। अब तुलना या तो दो के बीच में या दो से अधिक के बीच में होती है, इसीलिए इसमें नाउन तो बहुवचन लेकिन वर्ब सिंगुलर। क्यों? क्योंकि होते तो सारे ही एक वचन है। और दूसरी बात जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि अगर इनके बाद नाउन पुरुष हो, इनके बाद नाउन पुरुष हो तो ही
हिम व हिज सर्वनाम का यूज करेंगे, और यदि इनके बाद नाउन स्त्री हो तो शी या हर का यूज करेंगे, और अगर इनके बाद, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इनके बाद कोई वस्तु या जानवर हो तो हम इट का यूज करेंगे। हाँ, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, नोट, इनके बाद दे देम और देयर का यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दे देम देयर जो है ये बहुवचन होते हैं, और जबकि ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं, इसीलिए इनके बाद में ही सी इट का ही यूज होगा। पुरुष होगा तो ही, स्त्री होगा तो सी, और जानवर होगा तो इट का यूज करेंगे। जैसे कि अपन एक आध एग्जाम्पल से लिखना चाहेंगे इसे, जैसे कि मैं समझाऊं आपको, मैंने लिखा ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज डूइंग हर स्टडी। तो जरा देखिए, यहां पर ईच के बाद में ओपदा आया, तो जाहिर सी बात है ईच क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब यहां पर नाउन बहुवचन आएगी, तो लड़कियां कितनी हो गए, दो, क्योंकि ईच का प्रयोग दो के लिए भी होता है, दो से अधिक के लिए भी होता है। अब नाउन भले ही बहुवचन आएगी, लेकिन वर्ब किस में आएगी, सिंगुलर में। अब यहां पर लड़कियां हैं, इसीलिए आ गया हर। अगर यहां पर गर्ल्स की जगह बॉयज होता तो यहां पर आ जाता हिज का यूज हो जाता। तो इस तरह से इनके बाद आप इनमें यही इन्हीं से संबंधित कॉमन एरर आते हैं। यहां पर कई बार जो है वो वर्ब सिंगुलर दे देता है, यहां पर वर्ब प्लुरल दे देता है, और यहां पर जो है कई बार नाउन जो है वो सिंगुलर दे देता है। इससे रिलेटेड एरर पूछे जाते हैं, या कई बार इन प्रोनाउन से रिलेटेड एरर दे दिया जाता है कि आपने यहां पर वाक्य में लड़कियां दे रखी, यहां पर हिज दे रखा है, तो ये गलत है। तो इस तरह के कॉमन एरर इनमें आते हैं। अभी आप केवल यही समझिए कि इनका प्रयोग डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी होता है और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी होता है। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में इनके तुरंत बाद जो है वो नाउन का यूज होता है, और प्रोनाउन में इनके तुरंत बाद ओब्दा का यूज होगा, लेकिन नाउन बहुवचन आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी। और ये ही सीट का कॉम्बिनेशन भी ध्यान में रखें, पुरुष का पता लगे तो ही, स्त्री का पता लगे तो सी, वस्तु जानवर हो तो इट, लेकिन दे देम देर का यूज कभी नहीं किया जाता इनके साथ। दूसरी बात कि अगर इनके बाद में कोई ऐसी नाउन दे दी जाए, जैसे कि यहां पर दे दिया जाए ईच ऑफ द टू प्लेयर्स दे दिया जाए, यहां पे प्लेयर्स दे दिया जाए। अब प्लेयर जो शब्द है वो एक ऐसी नाउन, कॉमन नाउन है। अब प्लेयर तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो अब इसमें कैसे सर्वनाम का यूज करें, तो फिर वहां पर मेल को प्रायोरिटी दी जाती है। अगर यहाँ प्लेयर्स दे दिया तो फिर यहाँ पर हम हिज का ही यूज करेंगे। तो कई बार ऐसी नाउन आ जाती है जो कॉमन होती है, तो उसमें हमें आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसका सीधा सा हल है कि आप वहां पर पुरुषवाचक को प्रायोरिटी दे। इस तरह से इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में लिखा जाता है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ाया, डिमोन्स्ट्रेटिव के बारे में, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेजिव एडजेक्टिव और पजेजिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। जितना प्यार अन्य वीडियो को आपने दिया, उतना ही प्यार इस वीडियो को भी दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।